हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ इदरशानी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ मीशो शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो मैं मीशो से जो जो चीजें खरीदी हूँ अभी तक मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, पूरा चीजें तो नहीं दिखा पाई हूँ। मैं कुर्ता भी खरीदी थी, ब्लाउज भी खरीदी थी और कुछ ज्वेलरी भी मंगाई हूँ और इयर रिंग भी मंगाई हूँ। तो बहुत टाइम पहले मैं ये सब चीजें मंगाई हूँ और बहुत दिन से मैं वीडियो सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज टाइम मिल गया है तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे बहुत सारे कुर्ते आप लोग देख चुके हैं जो कि मैं डेली ब्लॉग में पहनती हूँ, जैसे कि ये कुर्ता मैं पहनी हूँ और ये कुर्ता भी मैं मीशो से खरीदी हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये जो मैं इयर रिंग पहनी हूँ ये भी मीशो का ही है। तो सबका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कितने में खरीदी हूँ उसका प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो ये जो इयररिंग मैं खरीदी हूँ, ये इयररिंग के साथ एक बहुत ही सुंदर रिंग भी आया है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो कुर्ता है ये बहुत ही सुंदर, तो इस कुर्ते पे जो आप यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं तो ये कोई वर्क नहीं किया हुआ है, इस पे प्रिंट किया हुआ है। और ये कुर्ता पॉलिश सिल्क फैब्रिक में है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग चाहे तो ले सकते हो, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं ये कुर्ता मीडियम साइज में मंगाई हूँ, स्मॉल साइज का मैं मंगाई थी तो ज्यादा टाइट हो रहा था, तो फिर से मैं एक्सचेंज करके इसे मीडियम साइज मंगाई। और यहाँ पे कुछ कुर्ता है तो इस कुर्ते में से भी मैं बहुत सारा पहन चुकी हूँ, एक यही नहीं पहनी हूँ, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं फिर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लोग कमेंट किए हुए थे, उन लोगों को कोड ही नहीं मिल रहा था। तो ये जो कुर्ता है ना ये भी बहुत ही कम प्राइस का है और ये भी बहुत कम प्राइस का है, 500 कुछ रुपए का है। इसका प्राइस ना स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो कुर्ता है ना ये भी कुर्ता बहुत ही अच्छा है और ये कुर्ता मैं मीडियम साइज का मंगाई थी और जब मंगाई थी तो बहुत ही लूज हो रहा था, लेकिन धोने के बाद ना ये टाइट हो गया। अगर आपका साइज स्मॉल है तो एक साइज बड़ा ही मंगाइएगा। और ये रियोन फैब्रिक में है और इसका भी डिजाइन बहुत ही अच्छा है। यहाँ से मैं खोल ली हूँ क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही टाइट हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं खोली हूँ क्योंकि मुझे बनाना है। तो ये कुर्ता ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस पे देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन थ्रेड से वर्क किया गया है, एकदम सिंपल है। और ये देखिए यहाँ पे स्लीव में भी बहुत ही अच्छा बॉर्डर बनाया हुआ है। मुझे ये कुर्ता बहुत ही अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा। और इस कुर्ते के साथ एक स्ट्रेट पैंट भी दिया हुआ है और ये प्रिंटेड पैंट है, आप देख सकते हैं व्हाइट और मैरून का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कुर्ता पहनने पे भी बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ, फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं ये कुर्ता दिखाती हूँ, ये कुर्ता भी आप लोग देखे होंगे पहनते हुए, मैं एक बर्थडे पार्टी वाला ब्लॉग डाली हुई थी उस पे पहनी हुई थी, आप लोग देखे होंगे और आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो ये कुर्ता भी मीशो से ही खरीदा हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है, फोटो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा था लेकिन रियल में ये बहुत ही अच्छा है। इस कुर्ते पे आप देख सकते हो कितना अच्छा वर्क किया गया है और बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है और यहाँ पे मिरर वर्क भी किया गया है, लेकिन ये रियल वाला मिरर नहीं है, प्लास्टिक मिरर है। और इसमें देखिए कितना अच्छा लटकन दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है ये पहनने के बाद। और इसका फ्लेयर काफी अच्छा है और नीचे का डिजाइन भी आप देख सकते हो, इस तरह से चुन्नट बनाया गया है, चुन्नट टाइप का डिजाइन दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। और नीचे गोटा पट्टी का डिटेलिंग भी किया गया है। तो ये कुर्ता मुझे सच में बहुत ही पसंद आया था। फर्स्ट टाइम जब मैं इस कुर्ते को धोई ना तो थोड़ा बहुत कलर निकला, सेकेंड टाइम में भी थोड़ा बहुत निकला, तो हल्का हल्का कलर इसका निकल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर है। थोड़ा बहुत कलर निकलेगा तो कोई बात नहीं, वैसे ये पार्टी वेयर कुर्ता है और किसी भी पार्टी में आप पहन के जा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। ये कुर्ता मैं स्मॉल साइज में मंगाई हूँ, ये कुर्ता भी आप लोग देखे होंगे, ये भी बहुत ही अच्छा कुर्ता है, लाइट येलो कलर में है। इसपे भी देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, एकदम फिनिशिंग वर्क किया गया है, कहीं भी आपको धागा निकला हुआ नहीं दिखेगा, बहुत ही सुंदर वर्क किया गया है। और ये कुर्ता ना मैं बेबी पिंक कलर का ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे ये लाइट येलो कलर का आया था, तो इसलिए मुझे ना गुस्सा आ रहा था कि मैं जिस कलर का मंगाई उस कलर का नहीं आया, लेकिन फिर भी ये कुर्ता मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसे रख ली। और आप लोग शिरडी वाला ब्लॉग देखे होंगे तो वहां पे मैं ये कुर्ता पहनी हुई थी, तो इसका स्लीव मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये कुर्ता। तो ये कुर्ता भी मैं स्मॉल साइज का मंगाई हूँ और ये रियोन फैब्रिक में है
और ये कुर्ते पे ना पूरा वर्क किया गया है, आपको पूरा नीचे तक मिलेगा इसमें वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, बहुत ही अच्छा लगता है ये कुर्ता। और एकदम इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके साथ मैं ये पैंट खरीदी थी, ये स्ट्रेट पैंट है, ये मैं डीमार्ट से खरीदी थी और आप लोग देखे होंगे वो वीडियो, तो आप लोग को पता होगा। तो चाहे तो ये भी कुर्ता आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है ये। और एक ये कुर्ता है, ये भी बहुत ही सुंदर है, ये पूरा लॉन्ग है, लॉन्ग कुर्ता है और इस टाइप का कुर्ता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये प्रिंटेड कुर्ता है और यहाँ पे बटन की डिटेलिंग दी हुई है, बहुत ही अच्छा। ये पूरा खुलता है तो इसे आप खोल सकते हैं, पूरा ओपन हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक डोरी दिया हुआ है जो कि बहुत सुंदर था, एक तो निकल भी गया है, मैं सिर्डी में पहनी हुई थी, आप लोग देखे होंगे। और ये कुर्ता ना बहुत ही कम प्राइस का है, मैं कितने में ली थी, 400 कुछ रुपए में ली थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, देख लीजिएगा। तो ये कुर्ता भी बहुत ही अच्छा है, चाहे तो आप लोग ले सकते हो। और ये कुर्ता कॉटन फैब्रिक में है तो बहुत ही कम्फर्टेबल है पहनने में, और सच में इस टाइप का कुर्ता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो कुर्ता मैं मीशो से मंगाई थी सारा आप लोगों को दिखा दी, और ऑलरेडी आप लोग ये सब ब्लॉग में देख चुके हो पहनते हुए। और उसके बाद मैं दो ब्लाउज मंगाई हूँ, एक ब्लैक कलर का है, तो ये है एक ब्लैक कलर का ब्लाउज, और ये ब्लाउज बहुत ही अच्छा है, इसपे भी वर्क किया गया है, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है और इसपे स्टोन भी लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। और पीछे आप देख सकते हो, पीछे से इसका डिजाइन और इसमें बटन दिया हुआ है, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है लेकिन फिटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे ना मतलब रेडीमेड ब्लाउज अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खुद से सिलकर पहनती हूँ तो इसलिए मुझे रेडीमेड ब्लाउज अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगा था जब मैं देखी थी, और रियली में बहुत ही अच्छा है। बाकी थोड़ा बहुत आपको फिटिंग कराना पड़ेगा, और इसे तो मुझे पूरा खोल कर ही फिटिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसके कप दिए हुए हैं, बहुत नीचे दिए हुए हैं। वैसे तो मैं 34 साइज का मंगाई थी, फिर भी ये फिट नहीं है, इसे फिटिंग करना पड़ेगा। और इसमें स्लीव भी दिया हुआ है, इसमें स्लीव दिया हुआ है, स्लीव में निकाल के रख दी हूँ। आप लोग चाहे तो ये ब्लाउज ले सकते हो, बहुत ही सुंदर है, कहीं भी निकला हुआ धागा नहीं देखेंगे, बहुत ही फिनिशिंग से वर्क किया गया है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा, तो आप लोग चाहे तो ले सकते हो। एक ये ब्लाउज है और एक ये ब्लाउज ली हूँ पिंक कलर का। एक मेरे पास साड़ी है गांव में और उसका ब्लाउज मुझे नहीं आता है, तो उस साड़ी से मैच करते हुए ये ब्लाउज मैं ली हूँ, पिंक कलर का ही है और ज्यादा डार्क पिंक नहीं है, लाइट पिंक है। ये ब्लाउज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो मैं मंगा ली। इस पे भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है, आप सामने से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर ये ब्लाउज है, सच में बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे का डिजाइन भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर स्लीव भी दिया हुआ है, अगर आपको स्लीवलेस पहनना अच्छा लगता है तो ऐसे भी पहन सकते हो, स्लीव लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी 34 साइज का है लेकिन इसे भी मुझे बनाना पड़ेगा, फिटिंग करना पड़ेगा, इसका भी फिटिंग सही नहीं है। तो ब्लाउज और कुर्ता मैं दिखा दी, अभी मैं ज्वेलरी आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक ये है, पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है, अच्छे से पैक करके दिया हुआ था, और ये ज्वेलरी भी बहुत ही सुंदर है। और ये सब मैं अपनी बहन की शादी में पहनने के लिए ले रही हूँ। तो ये नेकलेस है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, गोल्डन और ग्रीन कलर का मुझे चाहिए था तो इसलिए मैं ये वाला मंगाई हूँ, और पहनने पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके साथ इयररिंग भी है, मांग टीका भी है, तो ये इयररिंग है और ये है मांग टीका। और उसके बाद एक और मैं मंगाई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका भी पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से पैक करके दिया हुआ था। तो ये भी गले का सेट बहुत ही सुंदर है, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया था सच में। और यहाँ पे महाराष्ट्र में इस टाइप का बहुत लोग पहनते हैं, मुझे बहुत मन था कि इस टाइप का मैं गले का सेट लूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये पूरा सेट है, इसके साथ ये भी दिया हुआ है, तो ये पूरा गले का सेट है। और देखिए, एक मिनट, और उसके साथ ये इयररिंग दिया हुआ है, और इयररिंग भी बहुत ही खूबसूरत है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, मीडियम साइज का है। तो अभी मैं इसे पहन के दिखाती हूँ कि पहनने के बाद कैसा लगता है।
तो अभी आप देख सकते हैं पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। ये साड़ी पे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा, कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना रियल में अच्छा दिख रहा है। ये बहुत ही सुंदर गले का सेट है, आप लोग अगर चाहे तो मंगा सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में मिला था। इसका इयररिंग भी आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है पहनने के बाद, मतलब मस्त है। पहनने के बाद आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। इसका इयररिंग भी अच्छा है और नेकलेस भी अच्छा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी ग्रीन कलर की ज्वेलरी बहुत ही सुंदर लगती है, तो मांग टीका भी पहन लिए हैं इस इयररिंग के साथ। ये सुंदर सा रिंग आया था, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, 199 में शायद दिया था। जो भी इसका प्राइस होगा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और आप मेरा कान का हाल देख सकते हैं, पहन पहन के कैसा लाल हो गया। मैं इतना हेवी झुमका ये सब चीजें मैं नहीं पहनती हूँ डेली, तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे मैं कितना सिंपल रहती हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं पहनती हूँ। लेकिन मेरी बहन की शादी होने वाली है तो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर रही हूँ। हाल फिलहाल में जितना भी मीशो से शॉपिंग किए थे सब मैं आप लोगों को दिखा दी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मीशो हॉल वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।